तो नमस्कार साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं वर्ग दशम, जो कि आप लोग नए नए आए हैं तो नए नए चैप्टर हम शुरुआत करेंगे भौतिकी से। तो भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के परावर्तन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन से जानने से पहले हम जानते हैं आखिरकार प्रकाश क्या होता है। तो कंप्यूटर जी, प्रकाश क्या होता है लाया जाए, उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे। तो क्या आ गया है? हाँ आ गया, प्रकाश क्या होता है। जैसे कि हम आप मुझे हमें देख रहे हैं, प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें आप हमें नहीं देख पाएंगे। ये प्रकाश के वजह से ही सभी दुनिया को हम रंग बिरंगा देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जो कि आप यहाँ भी लिखा गया है, जो आप भली भांति देख रहे हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको अगर देख सकते हैं तो देख रहे हैं, मान लीजिए देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हम आपको नहीं देख सकते? यही प्रकाश के कारण ही होता है। तो प्रकाश समझ गए,